बच्चों और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। चाचा को एक नई खिलौने वाली गाड़ी मिली। व्रिम, व्रिम। मैं अपनी नई गाड़ी के साथ बहुत मजे करूंगा। कसली उसके पास आया और उसने चाचा से वो गाड़ी ले ली। मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा रहा हूँ चाचा, अब इसके साथ मैं खेलूंगा। रुको कसली, मत लो। चाचा को सुन के चूचू देखने आई कि क्या हो रहा है। क्या हुआ चाचा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कसली ने मेरी नई गाड़ी ले ली चूचू। दुखी मत हो चाचा, कोई भी तुम्हारी चीज नहीं ले सकता अगर तुम होशियार हो। हम तुम्हारी गाड़ी जरूर वापस लाएंगे, पर पहले मैं तुम्हें सुनाऊंगी एक कहानी जिसमें जैक ने अपना जादुई कटोरा वापस ले लिया। एक जादुई कटोरा? जल्दी से कहानी सुनाओ ना चूचू। और फिर चूचू ने चाचा को कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, जैक नाम का एक लड़का था। वो अपनी बहन के साथ रहता था जिसका नाम था जिल। जैक गरीब था पर दिल का बहुत अच्छा था। वो जिससे भी मिलता उसकी मदद करता। ये लो चिड़ियो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े हैं। जैक का एक दोस्त था जिसका नाम था जो। एक दिन जो ने जैक को अपने साथ पास के शहर में चलने को कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे जैक? मुझे कुछ थैले ले जाने में मदद चाहिए। और हाँ, अपने साथ अपना खाना भी ले आना, हमें आने में शाम हो जाएगी। ठीक है जो। जैक और जिल के पास खाने को कुछ नहीं होता था, इसलिए उसने अपने लिए एक सैंडविच बना लिया थोड़ी चीज और सूखी डबल रोटी के साथ। एक थैले में वो अपना सैंडविच डाल के ले गया। बाय जैक। बाय। दोपहर में खाने के समय जैक और जो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैक ने अपना साधारण सा सैंडविच बाहर निकाला और जो के पास टोकरी भर के खाने का स्वादिष्ट सामान था। मैं सैंडविच लाया हूँ। मेरे पास है केक, फल, जैम, जेली, डबल रोटी, पाई और शिकंजी भी। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरी जो बहुत गरीब लग रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, काश मेरे पास खाने को कुछ होता, थोड़ा सा भी मिलता तो कितना अच्छा होता। जो उस लड़की को अनदेखा कर अपने खाने में लगा रहा, पर जैक ने अपना सैंडविच उस लड़की को देने का सोचा। वो कितनी गरीब और भूखी लग रही है, मुझसे ज्यादा उसे इस सैंडविच की जरूरत है। सुनिए, रुकिए, आप मेरा सैंडविच ले लीजिए। उस लड़की ने जैक का सैंडविच ले लिया और फिर कुछ चमत्कारी हुआ। लड़की के फटे हुए कपड़े रेशम के बन गए, उसके मटमैले बाल सोने की तरह चमकने लगे और वो लड़की एक परी बन गई। हाँ, आप तो एक परी है। हाँ जैक, मैं एक परी हूँ। मुझे अपना खाना देने के लिए धन्यवाद। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, वो है ये कटोरा। एक कटोरा? हाँ, ये एक जादुई कटोरा है।
इसे ध्यान से पकड़कर हर सुबह तुम्हें इससे कहना है, जादुई कटोरे, जादुई कटोरे, मुझे एक सोने का सिक्का दे दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो ये तुम्हें एक चमकता हुआ सोने का सिक्का दे देगा। धन्यवाद जैक। अगली सुबह जल्दी उठ गया। क्या मैं सच में कल एक परी से मिला था या वो सिर्फ एक सपना था? नहीं, वो सपना नहीं था। जादुई कटोरा यहीं पर है। मुझे वही करना चाहिए जो परी ने कहा था। जादुई कटोरे, जादुई कटोरे, कृपा करके मुझे सोने का एक सिक्का दे दो। अरे, मेरे पास सोने का एक सिक्का है। जैक बहुत खुश था। उसने जिल को जादुई कटोरा और सोने का सिक्का दिखाया। अब से हम लोग गरीब नहीं कहलाए जाएंगे जिल। ये कटोरा चमत्कारी है। इससे हमें सोने के सिक्के मिलेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। हुर्रे! जैक जाकर जिल और अपने लिए खाना ले आया और वो जो के लिए कुछ तोहफे भी लाया। ये उपहार तुम्हारे लिए है जो। कल मुझे अपने साथ ले जाने के लिए धन्यवाद। हाँ। अगली सुबह जैक ने फिर से जादुई कटोरे से एक सोने का सिक्का मांगा। जादुई कटोरे, जादुई कटोरे, प्लीज मुझे सोने का एक सिक्का दे दो। और जादुई कटोरे ने फिर से जैक को एक सोने का सिक्का दे दिया। हुर्रे! कुछ समय बाद जैक सोने के सिक्के की वजह से बहुत अमीर हो गया, जो बहुत बेचैन था कि ये हुआ कैसे। जैक, तुम्हें ये सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? चलो ना, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ। एक परी ने मुझे ये जादुई कटोरा दिया है जो। बस मैं इसे हर सुबह अपने हाथ में लेकर कहता हूँ, जादुई कटोरे, जादुई कटोरे, प्लीज मुझे सोने का एक सिक्का दे दो। जो बहुत लालची था। उसने जादुई कटोरा चुराने का सोचा और जब जैक नहीं देख रहा था वो उसे ले गया। हेलो जिल। जब जैक को जादुई कटोरा नहीं मिला तो वो परेशान हो गया। हाँ, मेरा जादुई कटोरा खो गया है जिल। वो कहाँ जा सकता है? सिर्फ तुम्हें और जो को इस बारे में पता है। जरूर जो ने ही चमत्कारी कटोरा चुराया होगा। मैंने देखा था, जाते समय वो कुछ छुपा रहा था। ओ नहीं, फिक्र मत करो जैक, वो चमत्कारी कटोरा तुम्हारा है। हम उसे जो से वापस ले लेंगे। जैक और जिल जाकर फिर एक नया कटोरा खरीद लाए जो हूबहू चमत्कारी कटोरे जैसा दिखता था। जैक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कटोरा तुम जो को जरूर दिखाना और ये कहना कि ये भी चमत्कारी है, और ये भी बताना कि ये एक की बजाय एक दर्जन सोने के सिक्के देता है। तो जैक ने जो को नया कटोरा दिखाया। जो, तुम्हें पता है, मैं फिर से परी से मिला। उसने मुझे एक और चमत्कारी कटोरा दिया। ये कटोरा एक की बजाय एक दर्जन सोने के सिक्के देता है। एक दर्जन सोने के सिक्के? वाह! हाँ जो, पर इसके बारे में किसी को मत बताना, ये गुप्त बात है।
जो बहुत लालची था और उसे अब नया कटोरा चाहिए था। मैं जैक का नया चमत्कारी कटोरा बदल दूंगा उसके पुराने कटोरे के साथ। इस तरह उसे पता नहीं चलेगा कि नया कटोरा वहाँ नहीं है। अगर उसे पता चला कि वो खो गया है तो वो पक्का मुझ पर ही शक करेगा। तो जब जैक का ध्यान नहीं था तब जो ने जैक के घर में वो कटोरा बदल दिया और नया वाला ले लिया। हुर्रे, हमारा जादुई कटोरा वापस आ गया। जो इसे यहाँ छोड़ गया और इसके बदले नया वाला ले गया। चलो अब इस चमत्कारी कटोरे को हम संभाल के रखेंगे और इसे कभी भी किसी को नहीं दिखाएंगे। और वहाँ जो हर रोज उस नए कटोरे से बार बार सोने के सिक्के मांगता, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। चमत्कारी कटोरे, मुझे एक दर्जन सोने के सिक्के दे दो। चमत्कारी कटोरे, मुझे जल्दी से एक दर्जन सोने के सिक्के दे दो। चमत्कारी कटोरे, मुझे जल्दी से सोने के सिक्के दे दो। तो तुमने देखा चाचा, कोई भी तुम्हारी चीजें तुमसे नहीं ले सकता अगर तुम होशियार हो। अब तुम्हारी खिलौने वाली गाड़ी कस्बे से वापस लेकर आते हैं। ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी कहाँ जा रही है? अरे